हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे इसके और डिटेल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आता है, यह आया विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग क्लॉक आवर बेसिस पोस्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने जो पोस्ट मेंशन कर रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे इंग्लिश, सोशोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, और जो नंबर ऑफ पोस्ट वो भी यहाँ पे जो क्लॉक आवर बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। और सारी जो कैटेगरी यहाँ पे ओपन है, यानी कि अनरिजर्व है, तो आप जो है इसके लिए डायरेक्टली जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिजर्व वैकेंसी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको रिजर्वेशन जो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको मराठी की नॉलेज है, क्योंकि ये जो मुंबई बेस्ड कॉलेज है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर मराठी आती तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पे जो है नेटिव लैंग्वेज मराठी है, इसीलिए अगर आपको मराठी आती तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर नहीं आती तब भी आपको यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आते क्वालिफिकेशन पेस के या अदर रिक्वायरमेंट की, तो वो आपका रहेगा एज पर UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आपको अपना एप्लीकेशन फिलअप करना है, एप्लीकेशन में आपका CV होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी जो फुल डिटेल है, जैसे आपका जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या नेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आपको वो सारा जो है अटैच करना है, और एक एनवेलप में क्लोज एक एनवेलप में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट रखने और सेंड कर देना है प्रिंसिपल वी इस कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स सिंधी सोसाइटी चेंबूर मुंबई 400071 विद इन 15 डे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देख ले दूसरा नोटिफिकेशन, तो दूसरा नोटिफिकेशन जो आया वो पालामुरु यूनिवर्सिटी महबूब नगर से आया। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम PhD या नेट या सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका जो पोजीशन है वो टेम्परेरी है, और ये जो है आपका आवरली बेस पे यहाँ पे जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें सब डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट आपके बॉटनी 5 ईयर, इंटीग्रेट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, तो ये सारे डिपार्टमेंट वैकेंसीज को निकाला गया है। माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड एज वेल एज नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है उनके लिए वैकेंसी निकाला गया है। और लास्ट डेट तो 23 सितंबर है, और डेट ऑफ इंटरव्यू 29 सितंबर वेंडेसडे एंड 30 सितंबर थर्सडे है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड या आपकी सैलरी जो भी रहेगी वो इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए यहाँ पे भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। और देख लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आया द श्री नारायण ट्रस्ट से। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन कॉलेजेस अंडर द श्री नारायण ट्रस्ट अफिलेटेड टू केरला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं केरला यूनिवर्सिटी, कैलिकट यूनिवर्सिटी, कन्नूर यूनिवर्सिटी और MG यूनिवर्सिटी। तो इन चार यूनिवर्सिटी में जो है इन्होंने वैकेंसीज को निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस बैकग्राउंड एज वेल नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज वो भी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन एंड एज की, तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो एज पर UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगी, या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के लिए रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है पैसा यहाँ पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको 1050 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि मनी ऑर्डर के फॉर्म में आपको देना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप जो इसके लिए अप्लाई करना है तो विद इन 1 मंथ जो है आपको अप्लाई करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इन चेक डिमांड डॉट पोस्टल ऑर्डर टुवर्ड अ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे सिर्फ मनी ऑर्डर एक्सेप्ट ये लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिक्वायरमेंट है वो एज पर UGC रेगुलेशन अकॉर्डिंग है, जैसे आपका नेट होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका PhD होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा आपका नेट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास जो पब्लिकेशन है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।